नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में डीएमएफटी की राशि से जिले के युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिले को कुपोषण मुक्त बनाने और स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करने की कोशिश होगी। जिला बार एसोसिएशन के भवन का निर्माण होगा। चाईबासा में हुए डीएमएफटी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव पारित कर कौशल विकास पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि खनन कार्यों से प्रभावित होने वाले इलाकों के विकास के लिए डीएमएफटी की राशि तो खर्च की ही जाती है, लेकिन अब लोगों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। डीएमएफटी फंड से हम लोग नया चीज करने का एक विचार है, जिसमें आईटीआई में हम लोग उसको अच्छा से ये कराने के लिए कि उसको ये हम लोग कौशल विकास के तहत यहाँ के नौजवानों को रोजगार सृजन करने के लिए, इसी तरह से कई अनेक प्रस्ताव आया और उसमें सभी हमारे जो माननीय इस समिति के सदस्यगण सबके का सहमति है और इसको आने का समय में। बैठक में शामिल सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि चूंकि यह जिला कुपोषण प्रभावित है, इसलिए जिले में अस्पतालों को अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही सुदूर क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था की पहुंच को भी सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल वैन जैसी योजनाओं को पारित किया गया है। आज डीएमएफटी में कई सारे प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, जिसमें मुख्य रूप से जिले को लोग कैसे चौमुखी विकास करें इस पर मंथन हुआ है। यहाँ के मेडिकल सेक्टर को कैसे ठीक किया जाए इस पर भी बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई कि यहाँ पर मोबाइल वैन चलेंगे और कई अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि हमारा ये जिला कुपोषित जिला भी है, तो इससे कैसे मुक्ति मिलेगी। इन सब चीज़ों पर आज हम लोगों ने प्रस्ताव पर मोहर लगाई। इसी बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 पर चक्रधरपुर में अंडरपास निर्माण को भी स्वीकृति दी गई। इसकी जानकारी देते हुए चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उराव ने बताया कि रूटीन विकास कार्यों से अलग हटकर डीएमएफटी की बैठक में इस बार कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया गया। जो महत्वपूर्ण चीज था कि मेरा चक्रधरपुर में जो अंडरपास की जरूरत था वो इस प्रस्ताव में पारित हो गया। उसके बाद घाटी नीचे दो ऐसा पुलिया था कि पूरी तरह से बारिश के समय में वो कट जाता है और गांव के लोग भी कट जाते हैं और पुलिस का मूविंग भी कट जाता है। वो दोनों पुलिया को हमने प्रस्ताव में लाए थे, वो भी पारित हो गया। पिछले बार हम पिछले सरकार में प्रस्ताव में था ही आपका बार एसोसिएशन का, जो किसी कारणवश दबाव से वो एसोसिएशन हुआ नहीं। इस बार उसको दोबारा हम लोग लाया गया और दोबारा पारित हुआ है। माननीय चाईबासा विधायक ने बात रखा था और हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी को और डीसी साहब को लिख के दिए। डिस्ट्रिक्ट मिंडल फाउंडेशन ट्रस्ट के हजारों करोड़ों रुपए को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सांसद, विधायक और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा ने डीएमएफटी में गड़बड़ी के लिए जनता ऑडिट कराने और फिर न्यायालय जाने की घोषणा की है। चाईबासा में भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री बड़कुवर गागराई ने कहा कि डीएमएफटी का गठन खदान प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए किया गया था, लेकिन यहां इस फंड को सांसद और विधायक निधि के तरह बांटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी के जरिए जो काम किए गए हैं उनकी जांच जनता के द्वारा की जाएगी। जनता ऑडिट के बाद हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। एक जिला में डीएमएफटी का एक ट्रस्ट बना, उसके माध्यम से उस क्षेत्र में विकास हो। सबसे पहले तो जो प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्र में प्राथमिकता देते हुए काम करने का चीज। लेकिन आज जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा और स्थानीय जनप्रतिनिधि जो सत्ता में जो विधायक संसद उसको संसद निधि और विधायक निधि की तरफ बांटने का काम किया। अब देखेंगे यहाँ पे आज भी कई स्कूल अधूरा पड़ा हुआ, कई स्कूल जर्जर अवस्था में, स्वास्थ्य भवन अधूरा है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि पिछले दो वर्षों से जो भी काम चल रहा है उस काम को जनता के द्वारा जांच करके जनता ऑडिट उसके द्वारा ऑडिट करके हम लोग हर योजना का
स्थल भी जाएंगे और गुणवत्ता भी देखेंगे। और उसमें वहाँ स्थानीय मुखिया, मान की मुंडा, आम जनता और वार्ड सदस्य सारे लोग उसको हम लोग उसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हम लोग सारा चीज इकट्ठा करने के बाद उसको हम लोग न्यायालय में जाएंगे। पूर्व मंत्री बड़कुवर गागराई ने सिंहभूम की सांसद और पश्चिमी सिंहभूम के विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पंचायत प्रतिनिधियों को दरकिनार करते हुए सिर्फ सांसद और विधायक की अनुशंसा पर काम दिया जाता है और ठेकेदारों से 7-10% तक वसूलने का काम कर रहे हैं। ठेकेदारों का शोषण किया जा रहा है। सांसद और विधायक बैठकर डीएमएफटी के फंड को सांसद विधायक निधि की तरह बांट रहे हैं। जनहित का मामला है। आप देखेंगे यहाँ सिर्फ संसद विधायक का अनुशंसा लिया जाए, जो अब किरीबुरु पूर्वी का मुखिया, पश्चिमी का मुखिया, गोवा का मुखिया, मनोहरपुर का जिला परिषद सदस्य, वो भी चयन हो गया है। उससे कोई अनुशंसा लेने का काम नहीं कर रहा। जिला परिषद सदस्य का डीएमटी सदस्य अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है। इसलिए सारे लोगों का भागीदारी हो, सारे लोगों का अनुशंसा ले और इसके माध्यम से लोग जिस तरह से ठेकेदार उनको किस तरह से लोग शोषण कर रहे हैं, 7-10% लोग लेने का काम कर रहे हैं और विधायक संसद बैठ करके इसको डीएमटी फंड को संसद विधायक निधि बनाकर बांटने का काम। भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप पर सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान डीएमएफटी से कई योजनाएं ली गई जिसका कोई औचित्य नहीं था। सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए यहां से जबरन राज्य में शिफ्ट किया। सबसे पहले इस पर सवाल जवाब होना चाहिए। देखिए अभी यह तो वही बात हो गई भारतीय जनता पार्टी के लिए कि 100 चूहे का बिल्ली हज को चली। कई सारी योजनाएं उस समय की ऐसी हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए यहाँ के फंड को जबरन राज्य में शिफ्ट किया। तो इस पर सबसे पहले तो सवाल जवाब होना चाहिए। सरकार वर्तमान व्यवस्था में भी डीएमटी का वही हाल है जो पहले चल रहा था। देखिए डीएमटी बहुत बड़ा फंड है और इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मैं इसका शुरू से मैंने कहा है कि इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, बल्कि कई हज़ारों करोड़ इसमें फंड आता है और सिर्फ ये नली या सड़क के लिए नहीं है, बल्कि इसका कैसे यहाँ के लोगों को इसका लंबा बेनिफिट मिले ये उसके लिए है। पुलवामा के वीर शहीदों को पश्चिमी सिंहभूम युवा कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकिरा के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से काफी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जुलूस के शक्ल में शहीद पार्क पहुंचकर मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन धारण किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि पुलवामा के शहीद जवानों से जनमानस को प्रेरणा लेनी चाहिए। आपसी भाईचारा और एकता कायम कर किसी भी विभाजनकारी शक्तियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रीतम बांकिरा ने कहा कि युवाओं को देश की एकता बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद जो जिनका आज ही के दिन शहीद हो गए थे उनको हम याद करते हैं और इस नाजुक स्थिति को सभी देशवासियों को ध्यान में रखते हुए हम सारे लोगों को इस देश की रक्षा के लिए सारे लोग हम लोग एक हो, एकजुटता हो, यही हम आज के दिन हम इससे हम प्रेरणा लेते हैं और देशवासी लोगों से हम ये आह्वान करते हैं कि देश के नाम पर, देश की एकता पर, देश की संप्रभुता पर, देश की सभी मजहब सारे कौम के बीच आपसी सद्भाव के लिए हम उसे आज संदेश देना चाहते हैं।
सोमवार को चक्रधरपुर चैबासा NH-75E के उलीहातू के पास एक चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार 3 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिंद्रा स्पेशियो डाला गाड़ी टोकलो थाना क्षेत्र के रोंडा गांव से मेला कर लौट रहा था। वहीं उलीहातू के पास चालक का गाड़ी पर से नियंत्रण हट गया और वाहन पलट गया, जिससे गाड़ी में सवार बापी गोराई, नाथू मंडल, युधिष्ठिर गोराई घायल हो गए। तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां सभी घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल चैबासा में भर्ती कराया गया है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त वाहन को आसपास के ग्रामीणों की मदद से उठाया गया। सोमवार को विधायक आवास बनमालीपुर में 20 सूत्री उपाध्यक्ष दीपक प्रधान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुआ। बैठक में चक्रधरपुर अनुमंडल के सभी 7 प्रखंड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण उपस्थित थे, जहां सभी प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष एवं कमेटी को लेटर पैड एवं कमेटी के गाइडलाइन को लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ गाइडलाइन की कॉपी सभी को दिया गया। जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष दीपक प्रधान ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रखंड स्तरीय बैठक माह में एक बार होगा, जिसमें विकास योजनाओं की समीक्षा किया जाएगा। 20 सूत्री कमेटी में 20 विभाग हैं, उन सभी विभागों की समीक्षा कमेटी के द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कमेटी का उद्देश्य पिछड़े और निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाना, केंद्र और राज्य सरकार के साथ प्रखंडों के बीच समन्वय बनाना, निगरानी एवं अनुश्रवण करना तथा विकास उन्मुख कार्य को जन समुदाय को प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य है। मेंबर रहेंगे और ब्लॉक लेवल में विस्तृत कमेटी का अध्यक्ष का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे। कुछ जिला में सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं हुआ विस्तृत कमेटी के, जिसके चलते प्रक्रिया में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। चूँकि प्रखंड विकास पदाधिकारी सबसे पहले हमारे विस्तृत कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सारे मेंबर्स को शपथ कराएंगे, उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। अच्छा, तो विस्तृत कमेटी में 20 विभाग है, जिसमें हमारे ये विस्तृत कमेटी के सारे लोग उसको निगरानी करेंगे। पहला है कि गरीबी उन्मूलन, 2 नंबर में जनशक्ति, 3 नंबर में किसान मित्र, 4 नंबर में श्रमिक कल्याण, 5 में है खाद्य सुरक्षा, 6 में सबके लिए आवास, 7 में शुद्ध पेयजल और 8 में जन जन का स्वास्थ्य, 9 नंबर में सबके लिए शिक्षा, 10 में अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग, 11 में महिला कल्याण, 12 में है बाल कल्याण, 13 में है युवा विकास और 14 में गांव सुधार, 15 में पर्यावरण संरक्षण वन विकास, 16 में सामाजिक सुरक्षा, 17 में ग्रामीण सड़क, 18 में ग्रामीण ऊर्जा, 9 में पिछड़ा क्षेत्र का विकास और 20 में ई शासन जैसा नगर पालिका हुआ, ये सब को भी सरकार लेने का तैयारी कर रहा है। तो हमारे मेंबर इस 20 विभाग का निगरानी करेंगे, क्योंकि ये सरकार का अभिन्न अंग है विस्तृत कमेटी। प्रखंड में जब भी बैठक होगा, इस 20 विभाग के पदाधिकारी वहाँ पर रहेंगे और जो भी प्रखंड में विकास योजना चल रहा है उसकी निगरानी हमारे मेंबर करेंगे। अगर कोई भी योजना में कोई भी कोताही बरता हो सकता है तो ये बैठक में ये लोग अपना बात को रखेंगे, इस पर कार्रवाई का भी ये लोग अपना बात प्रखंड विकास पदाधिकारी के सामने रख सकते हैं। सोमवार को बंदगांव थाना क्षेत्र के कई स्थानों पर जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 10 एकड़ में हो रहे अवैध अफीम की खेती को पुलिस के द्वारा नष्ट किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बंदगांव थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बंदगांव थाना प्रभारी सुबोध मुंडा एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बंदगांव, साथ ही जिला पुलिस बल झारखंड जगुआर एवं सेट बल के नेतृत्व में बंदगांव थाना के ग्राम कटवा, रुताडी, कोसिया, सिटी बुरु, मुरुमबुरा के जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्र में करीब 10 एकड़ में लगे पोस्तों अफीम की खेती को नष्ट किया गया। इस संदर्भ में बंदगांव थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
चेंजिंग इंडिया फाउंडेशन की ओर से पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद पार्क स्थित अमर जवान स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय सैनिक जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाया गया। चेंजिंग इंडिया फाउंडेशन चाईवासा के द्वारा पुलवामा में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। उनके श्रद्धांजलि दिवस को हम सभी चाईवासा वासी ने यहाँ चाईवासा के शहीद पार्क में अमर शहीद जवान स्मारक में आकर उन सभी शहीद भारतीय सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए और हम अपने देश के सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि आज अपना भारतवर्ष, भारत की सीमा जो सुरक्षित है और हम सब भारतवासी जो सुरक्षित हैं, तो इन सभी भारतीय सैनिकों और उनके जज्बे के और उनके क्रियाकलाप, उनके आचार, उनके विचार, उनके समर्पण और उनके देश के प्रति जो त्याग रहता है, उसी के चलते हम सब यहाँ सुरक्षित हैं। जय हिंद। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।